अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा है? अभी इको, अभी बायो पढ़ने जा रहा है ऐसे। इको है बायो तो बात की, बायो पढ़ने ही गया। अबे टायर खराब हो गया, पंचर हो गया, पंचर। सोचा नहीं था एकदम से, मैं निकला था जय के साथ ऐसे ही राइड करने के लिए, स्कूटी पंचर हो गई एकदम। ये स्कूटी है वैसे, स्कूटी हां, ये डिफरेंट टाइप की स्कूटी है भाई। वैसे क्या बोलते हैं इसको, नेवी 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 भाई। बच्चा कहता ना कि क्या दिक्कत आ रही है, तो मेरे को लगा था कि टायर पंचर हो चुका है, बट इसमें हवा ही नहीं थी भाई। डलवाता नहीं क्या, हवा डलवाता हूँ, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। मेरे को अभी एक बात करता, अभी यहाँ पे क्या हुआ था, क्या होता था फरीदाबाद के अंदर? फरीदाबाद में क्या हुआ था, अभी थोड़े टाइम पहले गैंग आई थी। अच्छा, वो क्या करती थी, जिन कार्स के अंदर टायर्स के अंदर अलॉय व्हील लगे होते थे ना, तो उन कार्स के टायर्स को चोरी करती थी। तो उसके खौफ से लोगों ने क्या करा, अपने गाड़ियों के टायर अलॉय व्हील दोनों चीजें। अच्छा, तो टायर, उस खौफ ने लोगों ने क्या किया, अपने जितने भी कार्स थी सब में से अलॉय व्हील निकलवा के व्हील कवर लगवा ली। ये हुआ है यहाँ पे, हुआ है बहुत बार, हुआ है। क्या बात कर रहा है, वॉइस ऑफ फरीदाबाद में मतलब इसकी लाइव फुटेजेस भी है काफी सारी। दिल्ली के अंदर भी एक बार हुआ था, दिल्ली में। हाँ, यहाँ कार ही ले जाते हैं। अच्छा, नहीं वो नहीं, कार मेरा है ना। थैंक यू। ये लोग है Hold it bro. तो जयर में आए थे, चॉकलेट शेक भी निकले। तेरे नाम से 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% नहीं, मेरे पैसे देने पड़ जाएंगे। अभी हम निकले रात को भाई, इसको मत दिखा, मेरे को भी दिखा दे। सो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा मन कर रहा था मेरा और जय का, बहुत ज्यादा। जय मेरे से पीछे पड़ा हुआ था मेरे से सुबह से, कि मेरे को घर की चाय नहीं पीनी, मेरे को बाहर की चाय पीनी है, इसलिए मैं लेके आया हूँ। बाहर की चाय की क्रेविंग हो रही थी। जय ने ऐसा कुछ नहीं बोला वैसे भाई, तो सिर्फ कंटेंट है बस। सो जय, मैं तेरे से एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब मौज का मतलब क्या है, मौज आ रही है मतलब क्या है? मौज आ रही है मतलब, सिद्धू आपके हिसाब से क्या होगा मौज आने का मतलब, एक बार बता गया। मौज आ रही है मतलब सबका पेट भरा है ना। तेरे हिसाब से ये मतलब? नहीं, मौज आने का मतलब है कि सब कुछ खुश है ना। अच्छा, मतलब जिंदगी में कोई दिक्कत तो नहीं चल रही, मौज आ रही है ना बस। अरे यार मेरा ना एक्चुअली आज भी ऑफ नहीं था। अच्छा, बट तो हमारे लिए ऑफ नहीं कर सकता, मतलब ऐसे जाके ऑफ कर लिया, हमारे लिए ऑफ नहीं कर सकता? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आज ऐसी बात नहीं है तो फिर ऑफ है इसका। ऐसी बात ही नहीं है तो ऑफ है भाई फिर। यार मेरे ना परसों भी मेरा ऑफ है, अब मैं कल अगर वर्क फ्रॉम होम लूंगा तो यही सोचेंगे कि इतने बहाना मारा, तो बोल देना शिफ्ट कर दो हमारे, मेरा ऑफ शिफ्ट कर दो, ऐसे बोल दे। शिफ्ट नहीं होता ना यार। वैसे तेरे हिसाब से वर्क फ्रॉम होम की लाइफ ज्यादा सॉर्टेड है कि रेगुलर जाने से? जब वर्क फ्रॉम होम हुआ था ना भाई, हाँ भाई, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वर्क फ्रॉम होम बहुत बढ़िया है। अच्छा, अब मुझे लगता है कि ऑफिस जाना बढ़िया है, क्योंकि यार और क्यों? घर में बैठे बैठे यार भाई क्या ही बताओ। घर में बैठे बैठे क्या करोगे, सही बात है, हाथों की लकीरें मिट जाती हैं। घर में बैठा जय के साथ हो सकता है, पर मेरे दिखती भी नहीं है। तो सिद्धू क्या चल रहा है आजकल लाइफ में से? कुछ नहीं, मेरा पेपर खत्म हुआ। पेपर खत्म हो गए, तो पेपर में कितने नंबर आ जाएंगे 100 में से? 100 नहीं, 100 नहीं, 100 में से कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे। अगर 100 आ गए, अगर 100 आ गए ना, तो जय और मैं नंगे होके भागेंगे पूरे सीपी में। पक्का पक्का, अगर 100 आ गए तो भाई। हाय हाय, क्या हाल, बोलता है अपनी ज़बान, से वो ढूंढ न पाए, देखने वो कहीं भूल न जाए, फितरत तेरी है तेरे ही दिमाग में। आज तो भाई मौज आ रही है। हौसले से पुकारे, हो गुजरो तो गुजरो पास है। सो कल जब हम चाय पीने गए थे, उसके बाद हम वापस आए, और उसके बाद मैंने अपनी वीडियो एडिट करी 4:30 तक, देन आई स्लेप्ट। मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी तो मैं सो गया, बिकॉज मैंने एक ही दिन में दो दो ब्लॉग शूट करा था। जब मैं एकदम से सो रहा था, मेरे को अपने दोस्त का कॉल आया, उसने मेरे को बताया कि भाई इंटरनल है, जो इंटरनल था वो था 7th को, बट ये प्रीपोन हो गया, 6th हो गया है, तो आज है एविडेंस लॉ का इंटरनल, तो मैं वो देने बैठा हूँ। अभी 45 मिनट्स लगेंगे मेरे को इंटरनल देने के लिए, अभी स्टार्ट होने वाला है विद इन 5 मिनट्स के अंदर, उसके बाद मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। सो फाइनली अब बच चुके हैं 5 शाम के, और जय को जाना है ट्यूशन, तो जय ट्यूशन जा रहा है, उसके बाद मेरे को घर जाना है, बिकॉज उसको आने में टाइम लग जाएगा, इसका ट्यूशन 8:30 तक है। तो जय, इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू ब्रो, एंड जब भी मिलता हूँ भाई, इट वॉज फन। तेरे वाले पूल वाले फुल स्पेंड हो जाता है, वो तो अलग ही था। ये बता मेरे को, मिस करेगा तू बहुत ज्यादा? कितना? थोड़े दिन तो आएगी यार। ऐसे कर रहा है, बहुत दूर रहता हूँ भाई, यहीं पे रहता हूँ मैं, बिल्कुल पास में। पास कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? 18 है। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा है? अभी इको, अभी बायो पढ़ने जा रहा है ऐसे। इको है बायो तो बात की, बायो पढ़ने ही गया। बायो में तो टॉप है, बोल रहा बायो में टॉपर हूँ, बायो में टॉपर। चल भाई,
चुका हूँ बुआ के घर से और मैं भी पास वाली मार्केट में आऊँ। मम्मी ने बोलता कि आते वक्त पक्का मट्ठी नहीं लेके आया ना इस बार, तो देख लियो। मैंने सोचा यार इस बार तो पक्का नहीं भूलना, बिकॉज मम्मी ने पिछली दो बार कहा था जब मैं फरीदाबाद आया था, दोनों बार मैं भूल गया था ले आना। तो यहीं पे मिलती है, पास में बहुत ज्यादा फेमस शॉप है, तो मैं जाऊंगा जल्दी से वो लेता हूँ। हेलो मम्मी, कितनी लेके आनी? चलो ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी आ रहा है आपका बेटा मिलने के लिए आपसे। ओके मम्मी, बाय, लव यू। मम्मी, हाय, व्हाट्स अप, कैसे हो आप? ठीक हूँ बेटा। और बताओ, आपने मेरे को मिस करा? बहुत। क्या देख रहे हो आप? अच्छा फ्लाइंग बीस्ट। मम्मी बहुत देखती हैं फ्लाइंग बीस्ट की वीडियो, और रसबरी मम्मी की फेवरेट है, सो हमारे व्यूअर्स भी देखते होंगे फ्लाइंग बीस्ट को। सो इस वीडियो को बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक मार देना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसे लगा, सब्सक्राइब करके जाना, सो दैट अगर मैं फ्यूचर में कोई भी अपलोड करूँ वीडियो तो आपको पता लग जाए कि मेरी वीडियो आ चुकी है। दैट्स इट, टिल देन स्टे सेक्सी बेबी। तो मम्मी आपको भी करना पड़ेगा, चलो टिल देन जल्दी करो, जल्दी ऐसे ऐसे कर दो एक बार, सेक्सी बेबी। Johnny, Sonny.